बातचीत में भाई और बहन के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आक्रोशित ने बहन के दोनों हाथों पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें बहन के दोनों हाथ अलग होने के कगार पर है। सूचना पर पहुंचे पुलिस आनन फानन पर बहन को सीएससी पूरनपुर लेकर पहुंची, जहां हालात को गंभीर देखते हुए उसे पीलीभीत जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। घटना थाना पूरनपुर के कस्बा के मोहल्ला ढका की है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ढका में सोनू का उसकी बड़ी बहन गुलबहार से किसी बात को लेकर आज दोपहर बाद झगड़ा हो गया। बातों बातों में सोनू आक्रोशित हो गया और आवेश में आकर सोनू ने बहन के हाथों पर बाकी से वार कर दिया, जिसे उसके दोनों हाथ काफी हद तक कट गए हैं। घायल युवती को सीएचसी पूरनपुर लाया गया, जहां हालात को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर कर दिया है। आरोपी भाई को पुलिस ने मौके पर सही गिरफ्तार कर लिया। झगड़े की वजह जानने के लिए पूछताछ की जा रही है। किस तरीके क्या घटना है? ये घायल युवती जिसका नाम गुलवहार है, इसके पापा का नाम समी बोले है। ये लगभग 18 साल की महिला है, जो हमारे यहाँ सीएससी पूरनपुर पे आई है। इसके घर वालों का कहना है कि इसके भाई ने इसको मारा है। तो मैंने अभी इसको इन्वेस्टिगेट किया है, उसमें देखा कि उसको कुछ सर पे चोट है और कुछ हाथ पे काफ़ी चोट है। कुछ धारदार हथियार चीज़ों से उसको मारा गया है, जिसकी कंडीशन काफ़ी पुअर है। उसको मैंने मेडिकल लीगल करके और उसको जिला पीलीभीत के लिए रेफर कर दिया गया है। पूरनपुर की ही घटना है? हाँ, ये पूरनपुर की है, जहाँ मोहल्ला ढका की।